चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। तो हम लोग क्या बाबू, टाइप्स ऑफ सोर्स है, तो दो टाइप्स ऑफ सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स और दूसरा मेरा सेकंड क्या है बाबू, फिनाइट, है ना। ठीक है सर। अब बाबू देखो, पॉइंट सोर्स क्या होता है बाबू, जो वैसा सोर्स बाबू, ठीक है ना, वैसा सोर्स जो क्या पॉइंट लाइक हो, पॉइंट लाइक हो बाबू, जो मतलब क्या है, बहुत स्मॉल हो, बहुत क्या हो बाबू, स्मॉल हो। नहीं समझ में आ रहा, बता रहे हैं बता रहे हैं। अगर पॉइंट सोर्स को अगर डिफाइन करना का है बाबू, डिफाइन करना का है पॉइंट सोर्स को, क्या है बता रहे हैं, ठीक है ना, दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है। जो साइज में क्या हो, बहुत छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहें बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, जो बहुत स्मॉल हो, ठीक है ना। ठीक है बाबू, जो साइज में क्या हो बाबू, बहुत स्मॉल हो, जैसे मेरे पास क्या है, ये बल्ब है ना बाबू, बल्ब है ना, तो बल्ब एक मेरा क्या बाबू, थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन एक छोटा सा बल्ब आता है इस तरह से, आपको हम फिजिक्स में बताएंगे बाबू, इस तरह से देखे होगे मार्केट में, इस तरह से आता है, ठीक है ना, इस तरह से एक बल्ब आता है जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एलईडी कहते हैं ना, एलईडी कहते हैं ना, एकदम छोटा सा रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहें बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, ठीक है ना। और यही तुम्हारा क्या है, लाइट पर बाबू, तो जो लाइट प्रोड्यूस करेगा उसी के बारे में ना हमको स्टडी करना है, ठीक है। ये कौन कौन, बाकी सब सोए हुए रह गया बाबू, समझ में नहीं आता। सतीश, आदित्य, हैप्पी, अग्रवाल जी, बाकी सब सोया हुआ रह गया, शिवम और शिवानी, सौम्या, अन्य सभी नहीं है, सब सोने वाला स्टूडेंट है भाई, इतना 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 लेट से कौन सोता है, ठीक है। सर शिवानी नहीं है, वो उसके साथ है बाबू, शिवम साथ है, देख नहीं रहे हो, नहीं शिवानी का नाम नहीं था, हमको लगा आप नाम कहाँ से पढ़ रहे हैं। वो शिवम साथ है ना, ठीक है बाबू। तो पॉइंट सोर्स क्या होगा बाबू, जो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना बाबू, जो क्या होगा बाबू, जो बहुत क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, ठीक है ना। और फिनाइट सोर्स किसको कहेंगे, फिनाइट सोर्स किसको कहेंगे बाबू, तो जैसे आप मान लो एक कैंडल ले लो, ये बाबू क्या है, कैंडल है ना, ठीक है, ये क्या है बाबू, कैंडल है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी क्या है, सम हाइट है बाबू, इट हैज बाबू सम हाइट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फिनाइट सोर्स कहेंगे, फिनाइट सोर्स कहेंगे, जिसमें बाबू क्या सम लेंथ है ना। और ये कैंडल क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना बाबू, क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तुमको, लाइट से मतलब है, तो ये कैंडल क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे फिनाइट सोर्स, है ना। और जो बाबू पॉइंट सोर्स रहेगा, पॉइंट सोर्स बहुत स्मॉल रहेगा, इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे एलईडी बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड वाला बल्ब है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, पॉइंट सोर्स कहेंगे। नहीं समझ में, देखो एलईडी दिखाते हैं लैपटॉप में, देखो बाबू शेयर करके दिखा रहे हैं आपको, एक एक इमेज दिखाना पड़ता ना। दिख रहा है ना बाबू, देखिए एक इंजीनियरिंग क्लासेस होगा, ठीक है ना, वहां पे आप लोग देखिए, राइट मत कीजिए बाबू, आप लोग शैतान हो, बच्चे मन के सच्चे हो पूरे शैतान, कहाँ चला गया इमेज, तो इसी में डाले थे। किस में डाल दें बाबू, ये शैतान ऐसे क्यों कर रहे। देखो एक ये आपको दिखाई दे रहा, ओपन हो जाओ, ए शैतान इरेज करो ना बाबू, पूरा शैतान है ये, देखिए बाबू ये मेरा क्या है, टॉर्च है, अब शांति से देखे, है ना। देखिए पॉइंट सोर्स क्या होता है बाबू, ये मेरा टॉर्च है, अब यहाँ से ये क्या रखा गया, एक कार्डबोर्ड रख दिया गया, ठीक है ना। शैतान मत, अपना डिस्प्ले टच मत कीजिए, नहीं तो फिर हम ब्लॉक कर देंगे ना, तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, खाली इधर से मेरा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ये बाबू क्या है, कार्डबोर्ड है, मान लो ना कि पेपर शीट है, इसमें थोड़ा सा क्या कर दो बाबू, होल कर दो, ठीक है ना, इतना स्मॉल होल कर दो, तो इससे जो लाइट अब पास होगा बाबू, ये टोटल पेपर से पास नहीं ना होगा, ये टोटल पेपर से पास नहीं ना होगा, थोड़ा सा एकदम स्मॉल होल से पास होगा, ठीक है ना, स्मॉल होल से पास करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहें बाबू, पॉइंट लाइट सोर्स है, कहेंगे क्या कहेंगे बाबू, ये पॉइंट है, कैसा बाबू, पॉइंट लाइट सोर्स, मतलब क्या, एक स्मॉल डॉट के जैसा होगा,
तो इस होल से जो लाइट पास करेगा बाबू, मान लीजिए पेपर है ना, इस पिन होल से जो लाइट पास करेगा बाबू, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इधर क्या बना है, शैडो बना, इमेज बना है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, पॉइंट सोर्स कहेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे बाबू, यहीं पे अगर आप ले लेते हो कैंडल, ले लेते हो मान लो कैंडल है, तो कैंडल का क्या होगा बाबू, सम हाइट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फिनाइट सोर्स कहेंगे। समझ में आया शिवांगी, शिवांगी बाबू, शिवांगी है ना। तो पॉइंट सोर्स और फिनाइट सोर्स कुछ नहीं बाबू, जो एकदम स्मॉल होगा उसको हम लोग कहेंगे कौन सा सोर्स, पॉइंट सोर्स, और जो बाबू जिसमें सम हाइट होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फिनाइट सोर्स कहेंगे, फिनाइट सोर्स कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको अगर एक लाइन में लिखना का है बाबू, लिखना का है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाबू, कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है बाबू, कैसे लिखेंगे, सोर्स बाबू कैसे लिखेंगे बताइए, सोर्स, आराम से समझ समझ के पढ़े बाबू, सोर्स दैट आर, सोर्स बाबू डेट आर बाबू टू अ स्मॉल, वैसा सोर्स बाबू जो क्या बहुत छोटा हो, टू, ठीक है ना, डेट आर बाबू टू अ स्मॉल, टू अ स्मॉल इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बाबू पॉइंट सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे मान लो एक इस तरह से बाबू क्या है, एक कोई मान लो ना कि एलईडी बल्ब, ठीक है ना, तो इससे जो लाइट निकलेगा बाबू, इससे जो लाइट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, एकदम 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 डॉट जैसा रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, है ना, पॉइंट सोर्स, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड बाबू क्या, फिनाइट सोर्स, जिसमें क्या बाबू, सोर्स दैट हैज बाबू सम हाइट, जिसमें क्या हो कुछ हाइट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सोर्स कहेंगे। आप लिखिए, इतना इतना राइट डाउन कीजिए जल्दी बाबू, आदमी समझ के पढ़िए फिजिक्स बाबू, आपको इस तरह से पढ़े कि किसी को पढ़ा सकते हो। देखते हैं बाबू, पेन ड्राइव में होगा एलईडी बल्ब वाला सर। हाँ बाबू बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए, एक बार और समझा दीजिए ना पॉइंट सोर्स। अच्छा समझाते हैं बाबू, एकदम छोटा सा पॉइंट हो जाएगा, जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू। आई अनिशा, अनिशा बाबू सब सोया हुआ रह गया। अच्छा सर, वन के बाद क्या होता है, वन के बाद क्या होता है मतलब बाबू, वन के बाद टू होता है, एक के बाद बी होता है, आप क्या लिखे वहां पे, वन और बी दोनों लिखे। अच्छा चलिए ठीक है, वन के बाद के। अरे मैं भी समझाने वाली थी, अच्छा वो बता दी। अच्छा ठीक है बाबू, हमेशा तुम ही आम नहीं खा जाओगे, किसी और को भी खाने मिलेगा, मुझे पता था आप खाएंगे आम। चलिए शुभ जी बाबू, दिख रहा है शुभ जी, शुभ जी बाबू, ये यस सर। चलिए क्लियर दिख रहा है ना बाबू, तो लेट से क्यों आते हो, टाइम पे क्यों नहीं आते हो? टाइम से तो आए सर, 6:30 में आ गए। अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, इरेज कर रहे हैं बाबू। देखो पॉइंट सोर्स क्या होगा बाबू, एकदम पॉइंट सोर्स क्या होगा, ठीक है ना, जो एकदम स्मॉल सोर्स रहेगा, जो बाबू क्या रहेगा, एकदम छोटा सा लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे आप टॉर्च देखो ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे बल्ब रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या ज़ूम करेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स ज़ूम करेंगे, ठीक है ना, या नहीं नहीं उसे ज़ूम करना बहुत। अभी आपको एक इमेज दिखाएं, ठीक है ना, मान लो एक क्या ले लो, एक बल्ब ले लो, एक कैंडल ले लो, और इसके आगे बाबू क्या लगा दो, एक कार्ड बोर्ड लगा दो, ठीक है, मान लो इसके आगे क्या लगा दो, इस तरह से क्या लगा दो, एक पेज लगा दो, है ना, पेज लगा दो, और इसमें बाबू एक क्या कर दो, स्मॉल होल कर दो, इसमें क्या कर दो बाबू, इसमें यहाँ पे एक स्मॉल होल कर दो, इससे जो लाइट निकलेगा ना एकदम क्या निकलेगा ना, स्मॉल होल से निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, एकदम छोटा सा निकलेगा ना, रे ऑफ लाइट क्या निकलेगा, एकदम छोटे से सर्कल से पास होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट सोर्स कहेंगे, पॉइंट सोर्स कहेंगे, है ना। सेकेंड बाबू हम लोग क्या सेकेंड पढ़ेंगे ना, फिनाइट सोर्स, सेकेंड क्या है बाबू, फिनाइट सोर्स है, सेकेंड नंबर क्या है बाबू, फिनाइट सोर्स, सोर्स बाबू जिसमें क्या हो बाबू, जिसमें क्या हो सर्टेन हाइट हो, जिसमें क्या हो बाबू सर्टेन हाइट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सोर्स, बच्चा का तो चीज है जी, सोर्स बाबू, सोर्स बाबू डेट, सोर्स बाबू डेट, डेट बाबू सोर्स डेट हैव सर्टेन हाइट,
वैसा सोर्स बाबू क्या हो जिसके पास कुछ हाइट हो, उसको हम लोग क्या कहें बाबू, इज कॉल्ड बाबू फिनाइट सोर्स, इज कॉल्ड बाबू फिनाइट सोर्स, है ना। जैसे क्या सर एग्जांपल, जैसे आप कैंडल ले लो, एक बाबू कैंडल ले लो, उसको बर्न करो, ठीक है ना, ठीक है। तो वो जो होगा बाबू, ये जो होगा, जैसे एक कैंडल ले लेते हैं, है ना, ये आपका बाबू क्या है, कैंडल है, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा बाबू, ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा बाबू, तो इसमें क्या है, सम हाइट है ना बाबू, सम हाइट है ना, सब हाइट है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, फिनाइट सोर्स कहेंगे, है ना, फिनाइट सोर्स कहेंगे। ये क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा ऑल डायरेक्शन में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, फिनाइट सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा का चीज है, छोटा सा बेसिक टर्म है, ठीक है ना, जो हमको बताना था। ड्रा कीजिए बाबू, लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं ना, जल्दी से लिखिए। समझ में आ रहा है पे? यस सर। चलिए अच्छी बात है। अभी कौन कौन नहीं आया? अन्यसा नहीं आई है, और कौन है? अभिनव अग्रवाल जी नहीं आए, चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू। आप लोग बचपन में, आप बच्चे हो ना, तो एक कंसेप्ट ऑफ एंगल होता है, एंगल जानते हो, एंगल आप लोग, एंगल का कंसेप्ट क्लियर है बाबू, जानते हो सबसे छोटी कौन है, सबको तो पता ही होगा। शिवानी, एंगल क्या होता है बाबू, नाम सुनो पहले एंगल का। सर मैं सुनी हूं, नहीं भी हूं। हाँ बाबू, प्रोटेक्टर होता है, एंगल को मेजर करते हैं, जो आपका प्रोटेक्टर होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बाबू, इस तरह से, ठीक है ना, देखोगे इस तरह से हाफ सर्किल होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको इस तरह से मेंशन किया, मान लो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है ना, यहाँ 60 डिग्री है बाबू। सर वो सब पे एक पॉइंट बना देते हैं और फिर वो सब पे डॉट डाल के एक सीधा लाइन बना देते हैं, बन गए एंगल। यस सर, बनाए हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इसी को बाबू एंगल, इसी प्रोटेक्टर से बाबू हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल का डिफिनेशन लिखा देते हैं, क्यों सर, क्योंकि आगे जब आपको हम बताएंगे बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, तो उसमें हमको क्या पड़ेगा, एंगल की जरूरत पड़ेगा, तो एंगल तो आना चाहिए ना कंसेप्ट थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एंगल के बारे में लिखा देते बाबू, है ना, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं ना, आपको आता है, हम एज्यूम करके चलते हैं बाबू कि आपको कुछ नहीं आता है ना, ठीक है। ये लिख लिए, नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट ऑफ एंगल लेंगे, है ना, कंसेप्ट ऑफ एंगल देखेंगे क्या होता है, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीखो। नेक्स्ट बाबू क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, छोटा सा टर्म है, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं ना, ठीक है। क्या है सर कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, क्या बाबू एंगल क्या है, देखो बाबू एंगल क्या होता है, दो रे बाबू जहां पे मीट करते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट बनता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो बाबू, देखो जैसे मान लो एक रे यहां है, ठीक है, ये एक रे हो गया बाबू, और सेकेंड रे यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये जो बनेंगे बाबू, ये जो कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, ठीक है ना। दो रे, वन रे हो गया बाबू, है ना, और ये टू रे हो गया, जहां पे मीट करेगा बाबू, तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एंगल कहेंगे। ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आते हो तो लिखो, ठीक है, बेसिक सा टर्म बाबू। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, आना चाहिए ना, ये सब आता है ना, ठीक बाबू, फिर भी हमको बताना पड़ेगा। क्या लिखें बाबू, इन ज्योमेट्री, ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, इन ज्योमेट्री बाबू, इन ज्योमेट्री बाबू, एन एंगल इन ज्योमेट्री बाबू, एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज, एन एंगल बाबू कैन बी डिफाइंड एज बाबू, ज्योमेट्री बाबू, एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज दी बाबू मीटिंग पॉइंट, दी बाबू मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज,
ठीक है बाबू, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज, ठीक है बाबू, दो रे बाबू जहां पे मीट करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एंगल कहेंगे, है ना। अब इसमें कुछ एंगल होते हैं, कुछ एंगल होते हैं, ये एग्जांपल बाबू, ये डायग्राम हो गया, एग्जांपल नहीं हुआ, ये इसका डायग्राम हो गया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, सोने वाला सो ही गया। अब एंगल को मीजर कैसे करते हैं, एंगल को मीजर किस कर, जैसे आप लोग मार्केट जाते तो कहते हो कि हमको एक के जी शुगर दीजिए, तो शुगर दीजिए वो तो किस में मीजर करते हो, केजी में मीजर करते हो, है ना। चावल मानते हो तो किस में मीजर करते, कहते हैं ना कि हमको वन केजी चावल दीजिए, तो केजी इसका क्या हो गया बाबू, यूनिट हो गया। तो उसी तरह से बाबू एंगल को मीजर करते हैं डिग्री में, एंगल को किस में मीजर करें बाबू, इट इज मीजर इन, किस में नापते हैं बाबू, डिग्री में, इट इज बाबू मीजर इन डिग्री, है ना, डिग्री, है ना, डिग्री में नापते हैं। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं बाबू, इस तरह से एक डॉट दे देते हैं, ना, ये मेरा डिग्री का सिंबल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा आनंद बाबू, आनंद देखो छत पर से पढ़ रहा है मॉर्निंग में, ठीक बाबू। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए है तो ए को इस साइड से लिखते हैं, बी है बाबू तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना बाबू, उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बेसिक टर्म है, आना चाहिए आपको, है ना, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करो बाबू, दो को कोई लाइन ले लो, इस तरह से, इस तरह से, ये एंगल आपका हो गया रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल बाबू, और ऐसे मत कर देना, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, है ना बाबू, लेस देन हो जाएगा। इसमें अंतर है, ये जो नीचे वाला लाइन बाबू उसको हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करना बाबू, दिस इज द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी, लेस देन या ग्रेटर देन, है ना, ठीक है, ये हो गया लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन, है ना, बट बाबू यू हैव टू राइट लाइक दिस दिस दिस, ये मतलब ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है, हैप्पी हैप्पी बाबू, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बाबू, अब क्या चाहिए, इससे एकदम बेसिक अब नहीं हो सकता, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बाबू हमको रिफ्लेक्शन बताना, जल्दी से कीजिए बाबू, लिखिए जल्दी से, बाकी इसके बारे में जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना बाबू, ज्योमेट्री एक चैप्टर ही मैथ में, ठीक है ना, तो वहां पे और डिटेल से पढ़ाएंगे, और डिटेल से पढ़ाएंगे, सब एंगल बताएंगे, अभी हमको जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना ही अभी हम बताएंगे आपको, ना नहीं तो बाकी इसमें अगर डिटेल करने लगे तो मेरा फिजिक्स चैप्टर फिर ये हो जाएगा, अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा। हाँ बाबू, इट इज मेजर्ड इन है, इन इन बाबू, इन छूट गया, इट इज मेजर्ड इन बाबू, इट इज मेजर इन डिग्री। शुभ जी, शुभ बाबू, सर हो गया, लिखो। यस सर, लिख ले शुभ जी। जी सर, चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा और बाबू टाइप्स ऑफ एंगल, सर नहीं लिखे अभी, सोए रहती है, थोड़ा लिखिए, जल्दी लिखिए, बहुत चीज पढ़ाना है सर, वो एंगल वाला थोड़े छोड़ दिए थे। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल है, इसको जल्दी से फिनिश कीजिए, टाइप्स ऑफ बाबू एंगल, जल्दी से इसको 5 मिनट में फिनिश कीजिए, ये सब एंगल हमको जरूरत पड़ेगा बाबू। पहला क्या होता है बाबू, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम जो हमको रिक्वायरमेंट हो वही फिर बताएंगे, एंगल का बहुत सारे टाइप होते हैं बाबू, लेकिन उतना हम ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बाबू एक्यूट एंगल, क्या होता है प्रकाश जी बताइए बाबू, एक्यूट एंगल बाबू, यस सर, एक्यूट एंगल क्या होता है बाबू, बाबू ये तो हम, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जानते, कौन बताएंगे आप, बताओ सौम्या, एक्यूट एंगल क्या होता है बाबू, नहीं पता है किसी को, आप अभी पता है सर, सर 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 आवाज नहीं जा रहा था, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 1, हाँ हाँ आ रहा बाबू, आ रहा साउंड, आ रहा सर, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, हाँ बाबू बस, एक्यूट एंगल क्या होगा बाबू, एंगल वैसा एंगल बाबू जो 90 सर, एंगल विच ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, हाँ बाबू, हाँ बाबू,
देखिए एक प्रोटेक्टर लीजिएगा, कैसे मेजर कीजिएगा तो एक प्रोटेक्टर लीजिएगा जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा बाबू, है ना, और यहाँ से जो वर्टिकल लाइन होंगे बाबू ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो एंगल बाबू जिसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो ये कोई लाइन होगा, एक ये हो गया, चाहे यहाँ से ये दोनों लाइन हो गया बाबू, ये तीनों लाइन हो गया, तो जिसकी एंगल की वैल्यू बाबू 90 डिग्री से कम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक ना। तो एंगल बाबू व्हिच इज बाबू लेस देन 90 डिग्री। हम लोग इतना डीप नहीं इसको पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे बाबू हमको जितना रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में अभी उतना ही हम आपको बता रहे हैं। एंगल बाबू व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, बस इतना ही, इज कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्यूट एंगल कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा बाबू, इसका डायग्राम अगर एक्यूट एंगल का बना हुआ है तो कैसे बनेगा, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहाँ से एक ये हो गया, तो ये एंगल बाबू क्या 90 डिग्री से कम है ना बाबू मेरे, ये एंगल है बाबू 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री कैसे होगा, यहाँ से प्रोटेक्टर लो और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, है ना। तो ये जो एंगल होगा बाबू, ये जो डॉटेड लाइन है म्यूट कर लीजिए, डॉटेड लाइन के साथ इधर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो ये 90, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है ना बाबू, तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, एक्यूट एंगल हो जाएगा। सेकेंड है होता है बाबू राइट एंगल, सेकेंड क्या होता है राइट एंगल, है ना, ये सब हमको जरूरत पड़ेगा अभी तुरंत में। सेकेंड क्या होता है बाबू, राइट एंगल, कौन बताइएगा बाबू राइट एंगल, बताओ आनंद, जानते हो आनंद बाबू, अभिनव आनंद सर, राइट एंगल 180 का होता है ना? नहीं बाबू 180 नहीं होता है, अरे हम बता सर, राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री, हाँ बाबू, एंगल व्हिच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ बाबू, क्या लिखेंगे बाबू, एंगल, एंगल बाबू व्हिच इज, एंगल बाबू ये सब बेसिक टर्म है बाबू, कैसे आप लोग इतना दिन से क्या पढ़े, जैसे हम थर्ड क्लास फोर्थ वाले को पढ़ाते हैं। एंगल बाबू व्हिच इज एग्जैक्टली, एंगल बाबू व्हिच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ये ऊपर में क्या बाबू, डिग्री का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री, सिर्फ ऐसे 90 लिखो बाबू तो ये आप 90 इसको पढ़ोगे, डिग्री एंगल नहीं पढ़ोगे। इसी बाबू इसको अगर मेंशन करना है कि ये मेरा एंगल है तो यहाँ पे इसका सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डॉट, तो दिस इज बाबू 90 डिग्री, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वही ना लिखा है कि हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे, है ना, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू, एकदम बेसिक से बताते हैं, ये क्या है बाबू 90 डिग्री है, NIN 90, और ये बाबू क्या है डिग्री है, है ना, 90 डिग्री, है ना, ठीक है सर, वैसा एंगल बाबू, ठीक है ना, जो क्या बाबू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, मतलब क्या सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो बाबू और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले लो, है ना। तो ये बाबू यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बाबू, प्रोटेक्टर रखना, प्रोटेक्टर का बेस इस लाइन पे रखना और देखना और एक को इधर मेंशन करना, तो देखना ये आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री को बाबू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा कितना बनेगा बाबू 90 डिग्री बनेंगे, ठीक। थर्ड जो आता है बाबू, थर्ड जो आता है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल आता है, तीसरा नंबर है जो बाबू ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ना भी आप लोग को। अब ये क्या होंगे जो 90 डिग्री से बड़ा होंगे बाबू, लेस देन 180 डिग्री होंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एंगल व्हिच मेजर्स 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम, हाँ बाबू, एंगल बाबू व्हिच इज बाबू, एंगल बाबू व्हिच इज लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 80 डिग्री, जो बाबू 90 से 180 डिग्री के बीच में लाइज करेगा बाबू, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा करो बाबू, है ना, बाकी इसको हम डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, अभी हमको जितना जरूरत है उतना ही हम बता रहे हैं अभी आपको, है ना।
स्पेस नहीं है बाबू। इसका डायग्राम ऑब्ट्यूज एंगल का कैसे बनाओगे बाबू? ये हो गया सर, एक एक रे इधर हो गया, दूसरा रे बाबू देखो यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा ना मेरे बाबू, ये क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, है ना, ठीक है कि नहीं? तो इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा एक रे मेरा इधर ले आ, एक रे इधर ले आ, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा बाबू, ये जो एंगल बनेगा बाबू मेरे, ये जो एंगल बनेगा इस लाइन से इस लाइन के बीच में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए, क्या कहेंगे बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, है ना, ठीक है। इतना राइट डाउन कीजिए और फिर आगे कंसेप्ट बताते हैं। समझ में आ रहा है पी? है पी? यस सर, आ रहा है आपको? सतीश बाबू, सतीश ये सब पढ़े हैं सर? हाँ बाबू पढ़े हो, लेकिन हम पढ़े हो तो डिवीजन हो जाएगा ना, हमको ऐसा पढ़ाना बाबू कि आप, हम मान के चलते कि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक आता है, ज्यादा नहीं आता, इसीलिए हम इस तरह से पढ़ाते हैं। एक रिस्का नहीं आई है और एक अग्रवाल जी नहीं आए हैं और अन्यसा नहीं आई है। आप प्रकाश सिंह नहीं पढ़े थे बाबू? प्रकाश सिंह पढ़े थे सर, लेकिन भूल गए थे। चलिए अच्छी बात है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन फास्ट बाबू। सर हो गया। एक आगे कंसेप्ट आता बाबू नॉर्मल का, नॉर्मल क्या होता है सतीश बाबू बताइए? क्या सर? नॉर्मल नॉर्मल का मतलब साधारण। हाँ बाबू बोलिए। बहुत फिजिक्स में बहुत टर्म यूज होंगे बाबू, ठीक है ना, तो बहुत खतरनाक खतरनाक टर्म आएंगे, तो उससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा ना, नहीं फेमिलियर होगा तो फिर फिजिक्स का सब्जेक्ट आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट, बहुत ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या लिखे बाबू? नॉर्मल।